हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। और उसमें जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सिलेक्शन रूल, चयन नियम, हिंदी में आप इसको बोलते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम सिलेक्शन रूल किसको कहते हैं। तो आप सब ये बात जानते हो, सभी हमने पिछली क्लास में भी देखा है, टॉपिक में भी हमने पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी कोई पदार्थ लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उस एब्जॉर्प्शन के कारण उसमें हम कह सकते हैं कि वो एनर्जेटिक होगा और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में संक्रमण होकर के हमको कलर दिखाई देते हैं जब वो वापस से निम्नतम ऊर्जा अवस्था में लौटता है। तो ये जो अवशोषण कर रहा है प्रकाशीय विकिरणों का या लाइट रेडिएशंस का, तो हमेशा ऐसा नहीं कि सारे ही लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा या हमें वैसे ही कलर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रा मिलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल जब उन सर्टेन कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करने पर ही हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर अलाउड होंगे या फॉरबिडन होंगे या उनकी परमिशन उनको नहीं मिलेगी। तो ऐसे रूल्स को हम कहते हैं चयन नियम या सिलेक्शन रूल्स। और आप वैसे भी आप कह सकते हो डिफाइन कि सम ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड डज नॉट मीन दैट सच ए ट्रांजिशन विल नेवर। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ ऐसे संक्रमण होंगे जिनको होने की या परमिशन नहीं मिल रही है, उसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं होंगे, होते हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में जो बैंड मिलते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, उनकी प्रकृति काफ़ी दुर्बल होती है, इंटेंसिटी उनकी कम होती है। तो चयन नियम सेलेक्शन रूल्स को दो कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, स्पिन सेलेक्शन रूल और लैपोर्टे सेलेक्शन रूल, जिसको ऑर्बिटल सेलेक्शन रूल के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लैपोर्टे सेलेक्शन रूल की। इन अ मॉलिक्यूल हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ सेम पैरिटी आर फॉरबिडन। इसका अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि जब कभी भी दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा तभी होगा जबकि उन दोनों की यहाँ पर जो अवस्थाएं हैं वो एक समान हो। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट्स दैट अराइजेस फ्रॉम डी ऑर्बिटल्स आर फॉरबिडन। मीन्स क्या हुआ, डी ट्रांजिशंस जो होगा वो फॉरबिडन होगा। उसका कारण क्या है कि इनकी जो हम पढ़ते हैं जी एंड यू डेजिग्नेशन आप सबने पढ़ रखा हो, तो यहाँ पर जी जी ट्रांजिशन हुआ, ग्रेड से यहाँ से अर्थ है, ये हमेशा क्या होगा, फॉरबिडन होगा, अनुमत नहीं होगा। बट ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट्स अराइजिंग फ्रॉम डी एंड पी ऑर्बिटल्स आर अलाउड, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सममिति है वो क्या होगी, चेंज हो गई है। डी के लिए हम बात करें ग्रेड सममिति है और पी के लिए अनग्रेड है, और इसी वजह से अलग अलग यहाँ पर सममिति होने के कारण हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो संक्रमण होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे वो यहाँ पर अलाउड होंगे, अगर सेम होगा तो वो फॉरबिडन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ऑल डीडी ट्रांजिशंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर लैपोर्टे फॉरबिडन, यानी हम कह सकते हैं कि कक्षिकी चयन नियम वहाँ पर अलाउड नहीं होगा। इस ब्लॉक में भी आप देख सकते हो लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस इन्वॉल्व, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन दे रखी है यहाँ पर। अब एस से पी एक्स या पी से डी या डी से एफ, इस प्रकार के जो संक्रमण हैं वो यहाँ पर अनुमत होंगे, अलाउड होंगे, जबकि पी से एफ में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये फॉरबिडन होगा। तो चक्रण नियम हम सॉरी सेलेक्शन रूल की हम जो बात करें चयन नियम की, उसमें पहला हमने यहाँ पर देखा है लैपोर्टे सेलेक्शन रूल के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इतना स्ट्रिक्ट रूल चलेगा, तो जो यहाँ पर ट्रांजिशंस घटित होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें पढ़ते हैं नियम में कुछ शिथिलता दी गई, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन इन द सिलेक्शन रूल। क्या है ये, लाइक ऑल केमिकल बॉन्ड्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वाइब्रेट इन वेज इन विच द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज टेम्पोरली लॉस्ट, दिस फिनोमेना कॉल्ड वाइब्रोनिक कपलिंग कैन रिलैक्स लैपोर्टे सेलेक्शन रूल। तो ये जो नियम है ऑर्बिटल सेलेक्शन रूल या लैपोर्टे सेलेक्शन रूल, ये कहाँ पे टूटता है, जबकि हम ऐसे यौगिक जहाँ पर हम कह रहे हैं कि, या हम अष्टवल्की संकुल के अंदर ही हम बात कर लें, सारे जो केमिकल बंद हैं और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है टेम्प्रेरी लॉस्ट हो जाती है कुछ
टाइम के लिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक घटना घटित होती है जिसको हम वाइब्रोनिक कपलिंग बोलते हैं, और तब यहाँ पर लैपोटे सेलेक्शन रूल यहाँ पर ब्रेक होता है, यानी वो जो संक्रमण है वो यहाँ पर अलाउड होंगे। दे आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट कलर्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, और इस वजह से यहाँ पर संकुल यौगिकों के जो कलर है वो भी हमें ब्राइट दिख रहे हैं, जबकि चतुष्फलकी संकुल यौगिकों में किसी भी प्रकार का यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होता है, और इसी वजह से कक्षकों में किसी भी तरह से जी और यू जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर कोई माइंड नहीं रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि लैपोटे रूल जो है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। अब इस टेबल में आप देख सकते हो इंटेंसिटी बता रखी है यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक बैंड्स की, कॉम्प्लेक्सेस लिए हमने और वो 3D श्रेणी के हैं, तो टाइप दे रखा है यहाँ पर स्पिन फॉरबिडन हम कह रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसमें एप्सिलॉन मैक्स की, अलाउड की दे रखी है, लैपोटे फॉरबिडन की दे रखी है, तो एक टेबल है उसको इसमें समझा रखा है। तो ये तो बात हुई रिलैक्सेशन ऑफ लैपोटे सिलेक्शन रूल की। दूसरा जो नियम मैं आपको कहा चक्रण नियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दो गतियाँ होती है, एक तो होती है चक्रण स्पिन मोशन और दूसरा है होता है उसका कक्ष के चारों ओर ऑर्बिटल के चारों ओर। तो पहला हमने देख लिया था, दूसरा हम बात करेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल की, और इस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन जो है वो निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्चतम ऊर्जा अवस्था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में तभी संक्रमण संभव होगा जबकि उन दोनों ही ऊर्जा स्तरों की जो हम कह सकते हैं चक्रण बहुकता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग हो। अगर दोनों ही ऊर्जा स्तरों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक समान होगी तो ऐसी स्थिति में स्पिन सिलेक्शन रूल फॉरबिडन होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर लोअर एनर्जी की हम बात करें और वो सिंगलेट स्टेट में है जबकि हायर एनर्जी लेवल ट्रिपलेट में है, तो दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो अलग अलग हो गई, एक तो है सिंगलेट और दूसरा है ट्रिपलेट, दोनों ही या तो सिंगलेट हो या ट्रिपलेट हो, तो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर अगर हैं हमारे पास में तो ऐसी स्थिति में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अलाउड नहीं होगा। टू बी अलाउड अ ट्रांजिशन मस्ट इन्वॉल्व नो चेंज इन स्पिन स्टेट, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूजुअली कैन नॉट चेंज द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ये बात हुई यहाँ पर स्पिन सेलेक्शन रूल की। तो अब यहाँ दो हमने नियम आज पढ़े हैं, स्पिन सेलेक्शन रूल और लैपोटे सेलेक्शन रूल की। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।